हेलो गाइज, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और जब हम बात करने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में, तो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाइस हमारे इंडिया का करंटली लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जो कि गाइस जल्दी दूसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि नंबर वन पर आ जाएगा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है ना, वो 340.8 किलोमीटर की है, और गाइस इसकी टोटल लागत 22,494 करोड़ है, अगर हम लैंड एक्विजिशन भी इंक्लूड कर दें तो। और गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के गोसाईगंज के चांदसराय विलेज से लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ को गाइस कनेक्ट करता है गाजीपुर के हैदरिया विलेज से। और गाइस यह एक्सप्रेसवे अपनी एक मुख्य भूमिका निभाता है इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली को बिहार स्टेट की कैपिटल पटना से जोड़ने में, वाया आगरा लखनऊ होते हुए। गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है UPEIDA यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, जिसमें गाइस UPEIDA ने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को इसको कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मा दिया था। और गाइस इसे 10 अक्टूबर 2018 से बनाना स्टार्ट किया गया था, और 3 इयर्स की डेडलाइन से पहले यानी कि ऑलमोस्ट 34-35 मंथ्स में ही बना दिया गया था। बल्कि गाइस उस टाइम पर पेंडेमिक भी चल रहा था, और फिर गाइस 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें गाइस मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे को देश और उत्तर प्रदेश को सौंपा। उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। और वहीं पर गाइस सुल्तानपुर के अखलकिरी विलेज में 3.2 किलोमीटर के बने एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, और गाइस उन्होंने एयर स्ट्रिप पर टेक ऑफ और लैंड भी किया, जिसमें गाइस इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000, जगुआर, सुखोई जैसे कई सारे फाइटर प्लेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। बट गाइस क्या आपको पता है कि यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी गाइस अखिलेश यादव ने मई 2015 में ही लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे बनाने की बात की थी, बट कुछ टाइम बाद गाइस अखिलेश यादव ने नवंबर 2015 में ही लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया था। और फिर गाइस फेब 2016 में यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का बजट भी पास किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। और गाइस 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि भूमि पूजन भी किया। बट फिर गाइस मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम बनते हैं, और मई 2017 में योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव गवर्नमेंट में पास किए गए टेंडर को कैंसिल करके एकदम फ्रेश तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और फिर गाइस 91% लैंड एक्वायर करने के बाद 14 जुलाई 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस का गाइस फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, यानी कि भूमि पूजन वो करते हैं आजमगढ़ में। बट गाइस उस टाइम पर डिसाइड हो गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस को सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर तक ही बनाना है, और गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस बनना स्टार्ट हुआ अपनी डबल स्पीड से। और फिर गाइस जुलाई 2019 में इसे बलिया तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल भी आया, बट गाइस उस टाइम पर कुछ डिसाइड नहीं किया गया। फिर गाइस 28 अगस्त 2021 को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर यानी कि नितिन गडकरी जी ने आरा में हुए एक प्रोग्राम में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द गाजीपुर आरा पटना एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। फिर गाइस सितंबर अक्टूबर 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनकर तैयार हो जाता है, और 15 नवंबर 2021 को गाइस रानी कमलावती स्टेशन का इनॉग्रेशन करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करते हैं। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उ धरती के लोगन के हम पांव लागित है। एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बट गाइज आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में ही पूर्वांचल के रीजनल डेवलपमेंट के लिए पूर्वांचल विकास नीति बना दी थी, बट गाइज कई सारी सरकारों ने इसे इग्नोर किया, और छोटे मोटे डेवलपमेंट के अलावा गाइज पूर्वांचल में कुछ नहीं हुआ था। बट गाइज अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक गिफ्ट है गवर्नमेंट की ओर से। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को गाइज लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।